नमस्कार जी, मेरा नाम शकील है। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, ज़िला बिजनौर। धामपुर मेरा पोस्ट लगता है और मैं गांधीनगर में काम करता था सिलाई का। मैंने एक ओलेक्सपेक गाड़ी देखी थी, UP 14 EA 5823। तो मैंने मालिक से बात करी, जो गाड़ी का मालिक था, उससे बात हुई तो उसका पता लगा कि उसका नाम साहिल कुमार, गाज़ियाबाद का रहने वाला। उससे मेरी बात हुई, वो बोला मैं इंडियन आर्मी का हूँ, जवान हूँ, और जो आपको अगर गाड़ी लेनी है, पसंद है, तो आप गाड़ी मंगा लो, कोई बात नहीं, मैं जो हूँ गाड़ी पहुँचा दूँगा। मैंने कहा तो गाड़ी आप कैसे पहुँचाओगे बताओ। लगा ट्रांसपोर्ट से पहुँचा दूँगा मैं अपनी गाड़ी। मैं ठीक है, मुझे क्या करना पड़ा। कहने लगा आपको 5000 रुपये खाते में लगाने पड़ेंगे और आपको कल 10-10:30 बजे गाड़ी आ जाएगी। तो मैंने कहा इसमें कोई लोचा नहीं। कहने लगा कि इंडियन आर्मी कभी धोखा नहीं करती, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फ़ोटो है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा घर का एड्रेस, सब कुछ उसने मुझे फ़ोन पर ही भेज दिया। मुझे सर उस पर यकीन हो गया और उसने पैसे 5000 मुझसे खाते में डलवा लिए। उसने फिर एक इंडियन आर्मी के उससे लिख के मुझे भेज दिया कि जो है आपकी गाड़ी 10:30 बजे मिल जाएगी। जब मैं 10:30 हुए, मैंने कॉल करी उस पर, भाई मेरी गाड़ी नहीं आई। तो उनने कहा ठीक है मैं फ़ोन करता। तो उधर से फ़ोन आया मुझ पर, कहने लगे वो कि भाई आपकी गाड़ी 15 मिनट या 20 मिनट में पहुँच जाएगी। ऐसी 15-20 मिनट बताई उन्होंने, आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी और आप वहीं रहना। मैंने ठीक है सर। बात ये हुई थी हमारी कि बाकी के जो पैसे हैं हम गाड़ी आने पर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। 38,000 की हमारी डील हुई थी, 5,000 हमने लगा देते, 33,000 रुपये बकाया हमें उनको देने थे। उन्होंने कहा या तो जो साथ आएगा गाड़ी के उसी को दे देना जब गाड़ी तुम पसंद कर लोगे, और पसंद नहीं आई तो आप अपने 5,000 वापसी ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरे पास फ़ोन आता है कुछ देर के बाद कि भाई आपकी गाड़ी नवेड़ा आ गई और आप जहाँ भी हो वहीं रहना। मैंने कहा ठीक है जी, मैं वहीं हूँ अपनी जगह। कहने लगा वो कुछ देर के बाद, 1-2 मिनट के बाद फ़ोन आया कि आपको भाई 16,500 लगाने पड़ेंगे, आपकी जो गाड़ी इंडियन आर्मी से यहाँ से पास हो नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा ये क्या बात है। मैंने फिर फौजी पर बात करी उससे जिससे मैं गाड़ी ले रहा था, मैंने कहा ये क्या बात है। वो बोला यार ये मैं पहली बार गाड़ी लगा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था, तो आप जो है लगा दो, कोई बात नहीं, मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो मैंने जो है गाड़ी, मैंने पैसे लगा दिए। लगाने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब गाड़ी का मेल मिला रहे, आपकी गाड़ी जो है अब पहुँचने वाली। कुछ देर के बाद फिर फ़ोन आता कि भाई आपने पैसे कैसे लगाए। मैंने आपने जैसे बताया था मैंने लगा दिए। कहने लगे नहीं आपको 16,500 एक साथ नहीं लगाने थे, 16,001 और 501। मैं बोला यार ये क्या बात हुई, मेरे तो पूरे 22,000 पहुँच गए, 22,500। कहना कोई बात नहीं, पैसों की टेंशन मत लो, तुम लगा दो, ये कोई इंडियन आर्मी का जो वो होता ना ट्रांसपोर्ट का, उसका कोई रूल होता है, ये लगाने पड़ेंगे। वो सर इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो अब मैंने जो था एक दो से पूछा, वो बोला कोई बात नहीं लगा दो पैसे, कोई दिक्कत नहीं लगा दो। मैंने सर फिर पैसे लगा दिए। उसने कहा अब ठीक है, अब जब पहुँच जाएंगे। मैं बोला भाई अब गाड़ी आ जानी चाहिए, मेरे पूरे 38,000 पहुँच गए। बोला कोई बात नहीं गाड़ी आ जाएगी, चिंता मत करो। गाड़ी भी नहीं आई ना तो मैं आपको पैसे दे के जाऊँगा, मैं इंडियन आर्मी का जवान हूँ, मैं धोखा नहीं करूँगा। साहिल कुमार मेरा नाम है, मेरे बाप का नाम अशोक कुमार है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। उसने मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अब तो मेरे पैसे जा ही रहे हैं। उसने कुछ देर के बाद में कहा भाई आपके जो ना गाड़ी लेट हो गई, आपको 200 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको जो है 11,200 फिर लगाने पड़ेंगे। मैं बोला भाई 11,200 के 200 रुपये की पेनल्टी बात कर। कहने लगे नहीं 200 तो आपका कट जाएंगे, 11,000 आपको गाड़ी के साथ मिल जाएंगे। मैं बोला ठीक है भाई। बहुत झटक जोड़ के बाद में मैंने फिर वे पैसे भी लगा दिए। पैसे लगा दिए सर, मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई। आज लगभग 4th महीना चलिया गाड़ी को और सर ना ही मेरे पैसे आए। अब वो नए नए फ़ोन से बात करता है, कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता, कभी कहता है कि अभी 18,899 रुपये और लगाने पड़ेंगे आपको। तो सर मैं क्या करूँ। अब मैंने कंप्लेन भी करी, मुरादाबाद करी है, दिल्ली जगह दो जगह डाली, दो जगह आगरा डाली है, सर मेरे जो ना कोई वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
तो उसका इंश्योरेंस होके निकलता है, जो भी इंश्योरेंस मनी इधर से उसका क्या था वो एक्सपायर हो गया, तो खाली 10 मिनट के लिए आपको रिन्यू करना 11,000 प्लस 500 रुपीज से, ठीक है, जिसमें से ओनली 500 रुपीज का चार्ज कटेगा, 11,000 रुपीज आपको ऑन स्पॉट गाड़ी के साथ में ऑन स्पॉट रिटर्न हो जाएगा। सर हम पे पैसे रुके नहीं है अब। मेरा बात सुनो शकील भाई, हाँ जी, आप ये 10 मिनट के लिए किसी से भी मैनेज कर लो, ये नहीं कि रखा जाएगा, ये तो आपको रिटर्न हो जाएगा गाड़ी के साथ में, जब बंदा गाड़ी आपको देगा ना उस टाइम आपको रिटर्न कर देगा। भाई साहब फंस गया मैं यार शकील, हाँ मैं शकील ही बोल रहा, मैं फंस गया भाई साहब, बढ़िया वाला भाई यार, क्यों फंस गए यार, क्या बात कर रहे हो और क्यों फंस गए? मेरी बात सुनो, मेरे सारे पैसे चले गए। हाँ पहले आपने कहा 5,000 लगा दो, भाजी ने कोई पैसा नहीं लगाना, आपकी गाड़ी आ जाएगी, पैसे क्या खोजेगा? हाँ फिर आपने कहा 16,500 लगा दो, वो लगा दिए, वो तो आपने गलती कर दी, 5,500 एक लगा दे, 500 एक लगा दे, वो भी लगा दिए, अब ये लगा दिए, हो गया कि 10,000 कितने बता रहे, 11,500 और लगाऊं मैं, फिर अपना गुर्दा बेचूं, फेफड़ा बेचूं, क्या बेचूं भाई साहब? मैंने यार तुम पे यकीन करके मैंने यार ये काम करा था। शकील भाई एक मिनट बात सुनोगे? मैं तुम्हारी सुनिया भाई साहब, मेरा बात सुनो, जब इधर से कोई भी पार्सल हम निकालते ना आर्मी डिफेंस है, तो उसका कोई रनिंग का इंश्योरेंस होके निकलता है, जो इंश्योरेंस मैंने रनिंग का उसका किया था ना, वो मतलब आपका जो डिलीवरी टाइम था 10:30 का था, आप एक बार रिसिप्ट चेक कर सकते हो जो मैंने आपको भेजा है, और देखो अभी काफी ओवर टाइम हो चुका है, 1 घंटा ओवर हो गया है ना, तो उसमें आपको 11,500 रुपए करना है, जिसमें से 500 रुपए का चार्ज कटेगा, स्पेशली 11,000 रुपए गाड़ी के साथ में बंदा आपको रिटर्न करेगा। भाई साहब मैं क्या, मेरे पास नहीं, ये जाने 16,000 कैसे मांग के करे मैंने? वो तो बात मैं आपका समझ रहा हूँ कि भाई आप एक गरीब आदमी और आपने मांग के पैसा किसी से एडजस्ट किया है, वो हर चीज में समझता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कि समझ नहीं रहा हूँ, मैं हर चीज समझता हूँ, आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि शकील भाई इधर से जो भी इंश्योरेंस होके निकलता है वो एक्सपायर हो चुका है, तो खाली आपको रिन्यू करना है 10 मिनट के लिए। तो मेरे पास है नहीं ना भाई साहब, मैं अब क्या कर सकता हूँ ये तो बताओ, मेरे पास है नहीं, वो तो बात ठीक है, मेरे पास थे तो मैंने कर दिया, भाई साहब से लिए औरों से लिए, आप ये ना थोड़ा किसी से मैनेज कर लो, रही गाड़ी के साथ में रिटर्न हो जाएगा किसी का, फिर बाद में दे देना तुम। भाई साहब किससे लूं मैं, सर लेके तो दिए किसी से 2,000 किसी से 3,000 ऐसे करके, अब मेरा कोई गांव का भी तो नहीं है, और जिस बंदे से तुमने कराया था उसी से करवा दो, उसको दे देना बाद में, वो ऐसे थोड़ा 10 मिनट में, भाई मैं चूतिया तो बहुत चूतिया थोड़ी भाई साहब, भाई यार आप चूतिया नहीं हो यार, भाई मैं भी चूतिया नहीं हूँ, बट देखो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये फौजी भाई क्या कर रहा है, बट जो प्रॉब्लम आ रहा है ना शकील भाई, उस चीज से मैं सॉरी चाहता हूँ यार, जब गाड़ी आपको मिलेगा ना आप मेरे को खुद में खुद बोलोगे यार वास्तव में गाड़ी में प्रॉब्लम आया था यार। अब इसमें तो मुझे तो रास्ता बताओ मैं क्या करूँ, सारे तो चूतिया बता रहे थे, चूतिया तूने पैसे क्यों लगाए, इसे तो मैं कोई वैसी ले लेता वो ठीक रहता। तुमको चूतिया क्यों बता रहे, जब उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जब गाड़ी आपके पास पहुंचेगा ना, तो उनको मालूम हो जाएगा कि एक आर्मी वाला क्या होता है। हाली हाँ यो आर्मी वाले भी तो मैंने यकीन करा, तुम्हारी बातों पर मैंने यकीन कर लिया था, इसलिए मैं धोखा खा गया यार। धोखा नहीं मिला भाई यार, शकील भाई यार ये बात मत बोला करो, क्योंकि एक जब प्रॉब्लम हो जाता है ना तो उसमें थोड़ा एक्सेप्ट भी करना पड़ता है यार, शकील भाई यार आप हर चीज को जानते हो। तो मैं कितना करूँ बताओ, आपने किया है, मैं मान रहा हूँ भाई आपने पैसा डाल दिया ठीक है, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपने पैसा नहीं डाला है, अभी जो इसमें क्या है कि इंश्योरेंस का जो टाइम था वो एक्सपायर हो चुका है, तो खाली वो डिलीवरी टाइम था आपका 10:30 का था, अभी 1 घंटा ओवर टाइम हो चुका है, तो काफी टाइम हो गया है, तो खाली 10 मिनट के लिए उसका इंश्योरेंस रिन्यू करना है आपको 11,500 से। जब 11,500 मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ, अब ये बताओ, मैं 5वीं मंजिल पर खड़ा, तुम कहो तो मैं नीचे तो कूद सकता हूँ? नहीं यार शकील भाई ये काम नहीं है, क्योंकि देखो जो प्रॉब्लम आता है ना उसको थोड़ा यार कोऑपरेट भी करना पड़ता है यार, शकील भाई आप जानते हो यार। कैसे करूँ, तुमसे कहा था ये मेरे पैसे ना वापसी मेरे खाते में दूसरे में डलवा दो, तुम कह रहे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर कुछ और रास्ता बताओ, ये 16,500 मैंने औरों से भी मांग के और ये मैंने लगा दिए। आपने लगा दिए शकील भाई, मान रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने नहीं लगाए, तो मेरा घर थोड़ी ना है, मैं तो परदेश में हूँ, मुझे नहीं देगा भाई कोई, आप लगवा दो आपके अकाउंट में, हम लगवा देंगे। आपका बात सही है, मैं मान रहा हूँ मैं लगवा देता, लेकिन मेरा कैंटीन कार्ड जो होता है आर्मी वालों का वो कैंटीन में वैलिड होता है, उससे ट्रांजेक्शन नहीं होता है शकील भाई, अगर ऐसा होता ना तो एक बार भी आपको नहीं बोलता ये चीज में। तो तुम किसी रिश्तेदार से कह के मेरे खाते में लगवा दो, किसी घर के से लगवा दो, हाथों हाथ मुझे तो देने भी नहीं, वो हाथों हाथ अपना वापसी कर लियो। भाई मैं अकेला हूँ, मेरा कोई ब्रदर नहीं है ठीक है, और मेरा फादर से वो कुछ जान तो नहीं है। 40-50 हज़ार कमाने के बाद तुम इतना जुगाड़ नहीं कर सकते, मैं 8,000 रुपए कमाने के बाद महीने के कैसे कर लूंगा?
भाई मैं तो जुगाड़ पूरा, मेरे पास पैसा है, ये नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा है, पूरा पूरा बंदोबस्त है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि मैं ऑनलाइन के लिए भी कुछ नहीं चलाता, कैंटीन का आज अपना सारा काम होता है, और मैं अभी ड्यूटी पे ड्रॉप कर करके बार बार ऑफिस आ रहा हूँ जा रहा हूँ। मैंने सुबह से खाना तक भी नहीं खाया भाई आपके लिए, यार कसम से भाई। अब ये बताओ मुझे क्या करना है, मेरे पास भाई चवन्नी नहीं, तुम कहो तो पैसे भी तुम रख लो और गाड़ी भी तुम रख लो, भाई इतना तो कर सकता हूँ मैं। भाई यार ये बात नहीं है शकील भाई, पैसा नहीं रखा जाएगा यार किसी की, ये थोड़ी ना कि हराम का पैसा, जो पैसा इधर से रख लेंगे हम। अब मुझे देखो ऐसा लगने लगा, मैं अब तक तो मैं तुम पे यकीन कर लिया था, पक्का था कि भाई बाकी मैं देश का फौजी है, जानदार होता। या फिर अभी तुमको लग रहा है कि मैं फौजी नहीं हूँ, है ना? अब मुझे तो पता नहीं कैसा हो रहा है, देखो जी तुमने ही कहा था 5,000 लगाओ गाड़ी तुम्हारे दो राजे की, बकाया पैसे उसे दे। मैंने आपको यही बोला कि 5,000 आप पे कर दो, बाकी अमाउंट गाड़ी मिलने के बाद देना, ऐसे ही बोला ना? हाँ बोला। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई भाई, रनिंग में प्रॉब्लम आया था रेड क्रॉस बैंक का भी, वो अपने हाथों में तो होता नहीं है, मैंने तो पहली बार पार्सल लगाया था। आपने कहा 16,500 रुपए लगा दो, मैंने 16,500 लगा दिया, आपने कहा 16 लगाने थे एक तरफ, 500 एक तरफ लगाने थे, तो दोबारा यानी मेरी पेमेंट तो पूरी चली गई। अब ये 11,000 में 500 कहाँ से लाऊं ये बताओ, 11,000 लगाने के बाद में फिर कुछ और बता देंगे, फिर मैं कहाँ से? भाई यार कुछ भी नहीं बताएगा, कसम से कुछ भी नहीं होगा यार, ये खाली इंश्योरेंस टाइम का ये रिन्यू करना है 11,500 से ना, अब जिसमें से 500 रुपए का चार्ज कटेगा, 11,000 रुपए आपका रिटर्न हो जाएगा, जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट लगा है ना, 100-200-500 रुपए जो भी लगा है, डिलीवरी बॉय आपको रिटर्न कर देगा। ऐसा नहीं कि आपका एक आर्मी वाला किसी का एक पैसा नहीं रहता, एक रुपया कैसा होता है। मुझे तो यही तो यकीन था, अब रास्ता तो बताओ, मुझे कोई नजर नहीं, मुझे कोई नहीं देना चाहिए, पहले ही देते बड़े हाथ पैर जोड़ के मांगे मैंने। आपने तुमने हाथ पैर जोड़ के मांगे, आपके उधर कंपनी में दूसरे बंदे लग रहे होंगे, किसी से 10 मिनट के लिए लो भाई, ये तो आपको रिटर्न होगा ना। मेरी बात सुनो, सब लगा दे, कोई नहीं देता, ये कोई नहीं देने का। अब ये इतनी देर हो जाएगी, अब वो कह देंगे 11 बजे का, 11:30 बजे टाइम दिया ना, नहीं वो भी लेट हो गया, फिर रोल लगाओ। मेरी बात सुनो, इसके बाद कोई भी दिक्कत आएगा ना, अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, गाड़ी दिला के रहूंगा, पैसा दिला के रहूंगा, चाहे मेरी नौकरी चली जाए इधर से भाई, यार ये बात नहीं, अपने भाई के लिए जान भी दे सकता हूँ। तो देखो भाई, ये चीज मत बोलो भाई शकील भाई, ठीक है? एक आर्मी वाला हूँ, कोई सिविलियंस लड़का नहीं हूँ मैं। अब देखो मेरे पास 11,500 तो है नहीं, अब जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, गाड़ी पहुँचाना चाहो पहुँचा दो साहब, ना पहुँचाना चाहो कोई बात नहीं भाई, मेरे हाथों में नहीं है, कसम से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वर्दी का कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे हाथों में नहीं है। जैसे सर मेरे को पीछे से बोलेंगे ना, उस तरीके से हम काम करेंगे, और आप जैसे कि आप कंपनी में आप काम कर रहे हो जिस कंपनी में, ठीक है? आपको कोई आपका सर है, जो भी आपसे ऊपर हेड है, वो भी आपको जैसा बोलेंगे उसी तरीके से तो काम करेंगे, ये थोड़ी ना है कि भाई अपने मन से काम कर लोगे आप। नहीं अपने मन से तो नहीं करने के, बाकी है देखो मेरे पास पैसे है नहीं, मैं क्या करूँ। तो भाई ऐसा ही सोचो कि जैसे आप किसी के मन से काम नहीं कर सकते, तो ऐसे ही हमारे ऊपर हेड है, जैसे हमको वो कहेंगे उसी तरीके से हम काम करेंगे भाई। किसी रिश्तेदार से, किसी घर के से कहो कि भाई ऐसा है, इतने पैसे उनके खाते में लगा दो, जब मैं तुम पे इतना विश्वास कर सकता हूँ, 38,000 रुपए पूरे लगा सकता हूँ मैं, तो क्या तुम्हारे कहने से 11,500? मैं आपके लिए 1,00,000 रुपया भी दे सकता हूँ भाई, ये चीज नहीं है मेरे को, ये 1,00,000 भी दे सकता हूँ, ये 10-15,000 रुपए 20,000 रुपए कोई ज्यादा बड़ा मायने नहीं रखता मेरे लिए, मैं आपको 1,00,000 भी दे सकता हूँ। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मेरा फादर थे वो बिल्कुल गंवार अनपढ़ आदमी है, गाँव का रहने वाला है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ठीक है? अभी घर पे भी कोई नहीं है और मैं ड्यूटी पे हूँ प्रेजेंट टाइम। दोस्तों तो कर लो, नहीं तो भाई साहब बस खत्म कहानी, भाई तुम पैसे तुम्हारे पास पहुँच ही गए। शकील भाई मेरा बात सुनो एक मिनट, देखो आपका पैसा इधर आ गया, मेरा गाड़ी भी नहीं मिला और मेरा पैसा भी मेरे को भी नहीं मिला, ठीक है? आपने पैसा डाला है आर्मी ऑफिस में डाला है, ठीक है? और इधर से जो मेरा बात सुनो एक मिनट, जो डिलीवरी बॉय गाड़ी को लेके गया है ना, हेलो, हाँ बोल दिया मैं, उसने ऑनलाइन रिट लगा दिया ना गाड़ी के ऊपर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा गाड़ी है 40-50,000 का, वो आर्मी फंड में चल जाएगा, आपका पैसा आर्मी फंड में चल जाएगा, नहीं तो सर का कुछ बचेगा नहीं, पूरे वाले का नुकसान होगा, आपका होगा मेरा होगा क्या फायदा? जी भाई साहब मुझे यही पता था कि आप ना लास्ट में यही कहेंगे कि भाई मेरी गाड़ी गई, तुम्हारी गाड़ी कहाँ को गई, तो अगर मतलब कोरियल बात नहीं जाता, कोई नहीं लेता तो वो बात हो जाता कोरियल तो। नहीं ये तो आर्मी के नियम कानून है भाई, अगर बंदा गाड़ी को रिसीव नहीं करेगा ना, गाड़ी मेरे को नहीं मिलेगा, और आपका पैसा है, आपका पैसा आर्मी फंड में रहेगा, आर्मी के अकाउंट में, नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं गाड़ी मिलेगा, गाड़ी के ऊपर रिट लग जाएगा, रिट का मतलब समझते हो? तो मैं क्या करूँ भाई, ये बता दो, मैं तो फंस गया, मैं तो दूसरों से पैसे लेके लगा लिए, अब मैं बताओ मुझे रास्ता बताओ, ये करना भाई? आपको कुछ नहीं करना, 11,500 पर भाई ये गाड़ी के साथ में रिटर्न होगा। मैं भाई 11,500 कहाँ से लाऊं मुझे ये बताओ तुम,
ये लास्ट फाइनल है भाई, इसके बाद कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत आएगा मैं बैठा हूँ, जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लास्ट एंड फाइनल। क्या करूँ मैं, इतने सारे डाल दे, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, 11,500 भी चले गए तो तुम क्या करोगे बताओ। भाई मैं बैठा, सुनो मैंने बोल दिया कि चाहे मेरा ड्यूटी खोना पड़े मुझे, मैं आपका गाड़ी और आपका पैसा दिला के रहूंगा, अब मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ अब की बार। ऐसा अब मेरे पास पैसे नहीं, आप जैसा मर्जी हो वैसे कर लो। शकील भाई देखो, तुम अपने आप को प्रॉब्लम में खड़ा कर रहे हो, मैं क्योंकि एक सिविलियंस को प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरे को खुद को इतना शर्म आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप एक गरीब आदमी हो, 8,000 रुपए कमाते हो, मेरे को 50,000 मिलता है, मैं तो ये सोच लूंगा कि मेरे एक महीने का सैलरी नहीं मिला, ये सोच लूंगा क्या करूं, लेकिन आप एक गरीब आदमी हो 8,000 रुपए कमाने वाले, आपको इतना बड़ा लॉस होगा, ऊपर से फाइन भरना पड़ेगा, क्या फायदा भाई। भाई साहब लॉन्च की बात ऐसी, मैं ना अभी ना पंखे में ना अपनी गला डाल के ना मैं मर जाऊंगा भाई साहब, काम खत्म, लॉन्च होगा, पड़ो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये बात मत बोलो भाई यार, ये बात बिल्कुल मत बोलो, बट जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा क्रिएट भी करना पड़ता है भाई यार, मैं क्या करूँ यार, मेरे हाथों में तो है नहीं ये काम भाई, जो मैं अपने तुरंत कर दूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं भाई, मैं क्या करूँ बताओ, मेरे पास आप ये 10 मिनट के लिए, जब आपने इतना पैसा ले लिया तो 11,000 रुपये आपको कोई नहीं देगा, वो ताना किसी से ले लिया, सबसे ले लिया, 2,000 किसी से, 3,000 किसी से, ऐसे करके तो मैंने एडजस्ट करा, अब ये 11,500 मुझे नहीं देगा भाई कोई, अगर देता तो मैं इतनी देर में कर देता। वो बात ठीक है आप कर रहे भाई, देखो अभी 11,500 तुम्हारा, देखो कोई मामा का लड़का, कोई भाई का, किसी का तो होगा कि भाई 11,000 इस खाते में लगाने में बैठा, तुम्हारी यकीन तो फौजी होने के बाद तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसको कौन करेगा, मैं तो वैसे भी एक मजदूर आदमी हूँ। आपका बात राइट है भाई, लेकिन आप तो अभी बाजू में जिनके पास में भी काम करते हो, जो भी आपके पास आपके यार दोस्त हैं, किसी से भी ले सकते हो, बट भाई मैं इतनी दूर फोन करूंगा तो वो सोचे, वो मेरे को ये बोलोगे कि यार आप एक फौजी हो और हम एक मजदूर आदमी, आपको शर्म नहीं आ रही पैसा मांगते वक्त, ऐसा कुछ बोलेंगे, मैं किसी का ये चीज नहीं सुनना चाहता भाई, ठीक है, किसी से कह दो ना यार मेरा कोई दोस्त कहीं में फंस गया, उसके खाते में इतने पैसे लगाने, तो कोई वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन मेरे को मालूम है कि हमारे रिश्तेदार कैसे होते हैं कैसे नहीं है, मैं अपने रिश्तेदारों से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता भाई, फंसा दिया भाई। शकील भाई बस प्रॉब्लम आए, अब आपको ऐसे ही लग रहा है कि यार भाई पैसा तो मेरा ले लिया, कुछ नहीं है, क्या आएगा गाड़ी नहीं आएगा, सारे चले गए, मैं ना धरती माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है जो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ यार, अभी आपको ऐसे ही लग रहा है। 500 किससे मांगो ये बताओ, क्या है इसमें, तुम थोड़ा टाइम ले लो, मैं सर को बोल दूंगा कि भाई सर वो मजदूर आदमी और गरीब आदमी, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम दे दो, मेरी बात सुनो, अगर गाड़ी मेरे सामने भी आ जाना तो भी मैं कह दूँ चलने 11,500 किसी से भी मांग लूंगा मैं, है ना, चलो डील कर दूं मैं, बाकी भाई जब मेरे सामने चीज नहीं मैं कैसे कर दूंगा बताओ। शकील भाई अभी ऐसा सोचो, अपने दिमाग से थोड़ा जरा सोचो, आपने पैसा डाला 16,500 डाल दिया, फिर 16 डाल दिया, ठीक है, और इधर से मतलब क्या है कि अगर ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं आता ना, मैं आपको एक बार भी ये चीज नहीं बोलता, 2 घंटे पहले गाड़ी आपको दिलवा देता, बस ये प्रॉब्लम है जो, ये तो अपने आर्मी ऑफिस से आया ना, और अपने आर्मी ऑफिस से सॉल्व होगा, उसके पास डिफेंस के काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, GPS ट्रैकर होता है उसके पास, जो मेजर साहब का गाड़ी है उसके पास में, उसमें GPS कनेक्ट होता है, अपने आर्मी ऑफिस में पूरा एक्टिविटी मालूम होता है उसका। भैया जैसा मर्जी हो तुम्हारी, वैसे कर लो, मेरे बस का नहीं है। शकील भाई अब देखो, मैं तो अपना भाई समझ के आपको ये चीज बता रहा हूँ, कसम से अपने आप को प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो, मेरे को तो हो रहा है भाई, लेकिन आपको भी प्रॉब्लम होगा, उसमें तो मैंने ना चलेगा, मेरे तो चलेगा ये, मेरा बात सुनो शकील भाई, एक मिनट अभी मैं सच बात बताऊँ आपको, मैंने गाड़ी आपको लगाया सर बोल रहा था, मेरे को जिस बंदे से मैंने गाड़ी लगवाया था ना ऑफिस में जाके, उन्होंने बोला कि भाई किसको गाड़ी लगा रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि मेरा अनजान आदमी है, कि मेरा कोई रिश्ते, मैंने ये नहीं बोला कि भाई मेरा अनजान आदमी, मैं किसी सिविलियंस को गाड़ी लगा रहा हूँ, मैंने उसको ये बोला था ऑफिस में जाके कि सर जी मैं अपने भाई के लिए गाड़ी भेज रहा हूँ, मेरा जो चाचा का लड़का है उसके लिए गाड़ी को भेज रहा हूँ, तो उन्होंने गाड़ी इधर से तब निकलवाया था, और अब मेरा झूठ उधर उसके सामने आएगा कि ये तो एक सिविलियंस के लिए गाड़ी भेजा है, तो मेरे को कितना वो शर्म आएगा, कितना प्रॉब्लम होगा भाई यार। पूरे दे दिए मैंने, 38 की मेरी डील हुई थी, अब भैया देखो जैसे तुम्हारा मन हो वैसे कर लो। हेलो शकील भाई, अब देखो तुम, मैं तो क्या करूँ, मेरा तो भाई साहब तुम 10 मिनट में फोन करोगे फोन नहीं लगेगा, मैं फांसी खा के मर जाऊंगा। शकील भाई फांसी खा के ये छोटी बात मत करो, फांसी खा के मरोगे क्या करोगे, मेरा क्या करोगे तुम, फांसी खा के मरोगे, गाड़ी अभी तक आई नहीं।
अब फिर मैं 11,000 भी किसी से मांग के लगा देता हूँ, फिर भी फिर क्या जिम्मेदारी? इसका जिम्मेदारी आपने 38,000 का जिम्मेदारी भाई पे दिया है, इसका एक 11,000 रुपए का भी भाई के ऊपर जिम्मेदारी रखो ना। अब आपने 38,000 ना, मेरी बात सुनो, आपने सबसे शुरू में कहा था 5,000 लगाओ आप और गाड़ी मिल जाएगी, आप उसे पैसे दे दियो, मैं ठीक है। अब सुबह ये कहा कि ना 16,000 लगा दो, 16,500 लगा दो, उन्होंने कहा आपको 16,500 एक साथ नहीं लगाने थे। चलो अरे खाते में तो तुम्हारी गए, ये कौन सा कानून है बेंचो, चलो उसे भी खत्म करो। फिर आपने 16,000 एक लगाने, 500 लगाने एक, आपके पूरी पेमेंट पूरी पहुंच गई इस तरीके से। अब 11,500 और लगाओ, है ना, मैं 11,500 किससे लेकर आऊं? मैं तो यहाँ बाहर बैठा हूँ भाई, प्रदेश में हूँ भाई, मैं मान रहा हूँ आप प्रदेश में हो, मेरे को ये भी मालूम है आप बिजनौर के हो, यूपी के रहने वाले, और आप दिल्ली में काम करते हो, मैं हर चीज को जानता हूँ। और मैं तो आप पे यकीन करके आप पैसे डाल दिए, आपने यकीन करके भाई समझ के पैसे डाला है ना। अभी मैं शकल भी नहीं देखी मैंने, मैं वर्दी का कसम खा के बोल रहा हूँ, धरती माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, कैसी भी टेंशन मतलब भाई, अभी आपको ऐसा ही लग रहा है, मेरे को ना 30 मिनट का टाइम दे दो, अगर 30 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी नहीं मिलेगा ना, चाहे मेरा ड्यूटी चल जाए, गाड़ी और आपका पैसा आपको मिल करेगा 30 मिनट के अंदर अंदर, बस पैसा डाल के ये बोल दो कि साहिल भाई पैसा डाल दे, फिर आप दोबारा कॉल मत करना, मैं गारंटी के साथ आपको ये वादा दे रहा हूँ, फाइनल प्रॉमिस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 30 मिनट के अंदर अंदर पैसा और आपका गाड़ी आपको मिलेगा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा अंदर इतना गुस्सा है, चाहे मेरा ड्यूटी चल जाए, साला ड्यूटी चला जाएगा, क्या कर लूंगा, अपने घर पे बैठ जाऊंगा, लेकिन माँ धरचोदों को एक बार सबक सिखा जाऊंगा मैं। तो भाई साहब मेरे पास तो नहीं, अब ये बताओ तुम मुझे क्या करना, मेरे पास 11,500 नहीं है इसके, लेकिन भाई देखो ये तो करना पड़ेगा, इसके विदाउट तो देखो भाई कुछ नहीं होगा, नहीं तो मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी तो देखो अब आपके ऊपर है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई, कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे हाथों में है नहीं है, अगर जैसे 1,500 डाल दोगे तो पूरा नियम कानून मेरे हाथों में हो जाएगा, सर की भी ऐसी तैसी कर दूंगा, डिलीवरी बॉय की भी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। यार बताओ यार मैं किससे कहूँ भाई साहब, यार क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। टाइम ले लो, खाली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर से एक बार, कि सर इतना टाइम दे दो, जो अंदर मेरा गुस्सा है ना वो भी मैंने रख रखा है, सर को मैं बाद में बोलूंगा ये गुस्सा, जब आपका गाड़ी आपको मिल जाएगा ना ये गुस्सा बाद में सर को निकालूंगा, अभी मैं उससे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारा सीओ है, हमसे बड़े हैं वो।